सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाढ़ नहीं। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। आज का पंचांग 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:38 से 9:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मीन राशि 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार, आज के दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींचेगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने आपके लिए सर्वोत्तम होगा, भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके व्यवहार और कार्य कुशलता से लोग प्रभावित होंगे। आर्थिक स्थिति अधिक बेहतर होगी। संतान की विदेश जाने संबंधित कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक भी रहेगा। स्वभाव में किए गए बदलाव की वजह से व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा। नई बातों को अपनाएंगे तो कठिनाइयां शुरू हो सकती है या दूर हो सकती है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। जो रिश्ते महत्वपूर्ण है वे टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। सरकारी काम से जुड़े लोगों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की नाराजगी न समझने की वजह से विवाद हो सकता है। सर्दी खांसी की तकलीफ बदलते वातावरण की वजह से होगी। सावधानियां, संयुक्त परिवार में वसीयत संबंधित मामले उठ सकते हैं। बहुत अधिक धैर्य व संयम से काम लेने की आवश्यकता है। कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों पर भी व्यतीत करें। विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी तथा प्रेम संबंध खुशनुमा रहेंगे। साथ ही मित्रों के साथ मेल मुलाकात भी गहरा होगा। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही कोई फैसला करने की मूड में दिखाई दे रहे हैं। संभावना है कि आप आज बैठकर आराम से अपनी इस संबंध के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर यह तय करेंगे कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। इस सारे लिखा पढ़ी में ऐसा हो सकता है कि आप या तो अपनी भावनाओं को कम महत्व दें या बिल्कुल ना दें, लेकिन आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी दिल की जरूर सुननी चाहिए। बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। आपके व्यवसायिक काम स्वतः ही बनते जाएंगे। सहयोगी तथा कर्मचारियों का भी आपके कार्य के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन कामकाज के लिए उधार लेने की स्थिति भी बन सकती है, सावधान रहें। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने स्थानांतरण संबंधित कोई सूचना मिलेगी जो कि बेहतर रहेगी। बात करते हैं सेहत की। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, सिर्फ दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए भी रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग काफी तेज और सक्रिय है। अपने दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट भी आ सकती है, पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर चंदन लगाएं और घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।